एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेस में। मैं आप लोगों का अपना दोस्त नितेश बजाज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी वीडियो क्लास 11th के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि जानना चाहते हैं कि ये पीपीसी क्या है, व्हाट इज दिस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये होता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है उसके बारे में जानते हैं, कैसे बनता है उसके बारे में जानते हैं और क्यों बनाते हैं उसके बारे में भी जानते हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम है पीपीसी, जिसकी फुल फॉर्म लिखी गई है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कुछ लोग इसको पीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहा दिया जाता है दोस्तों इसको, फ्रंटियर FORENTIER फ्रंटियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है उसको समझते हैं, जरा डेफिनेशन से समझते हैं। कहा गया है, ठीक है, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है जो गिवन रिसोर्सेज के साथ, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ, गिवन टाइम पीरियड में बनाए जा सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो कही जाती है, जो बुक्स में लिखी जाती है, वो कुछ इस प्रकार है। डेफिनेशन को लिखने के बाद हम इसको और इलेबोरेट करेंगे और समझेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में। तो डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स डेट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेस, गिवन टेक्नोलॉजी, इन गिवन टाइम पीरियड। क्या क्या मुख्य है इस डेफिनेशन में, इस बात को समझ लीजिए क्या क्या मेन है दोस्तों। एक तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का हमेशा कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स के, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करे जा सकते हैं गिवन रिसोर्सेज के साथ, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ, गिवन टाइम पीरियड में, यही इसकी मेन है। एक्चुअल में होता क्या है, एक प्रोड्यूसर दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता है, कोई भी एक प्रोड्यूसर है प्रोड्यूस करता है, ऑब्वियस ये बात है। ये हमारा प्रोड्यूसर की कहानी है, प्रोड्यूसर बेचारा हमारा जो कि मैन्युफैक्चर करता है गुड्स को, वो अपने रिसोर्सेज जो भी रिसोर्सेज उसके पास है, ठीक है, उन रिसोर्सेज के थ्रू टू गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता है, एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, गिवन रिसोर्सेज का यूज करते हुए और गिवन टाइम पीरियड में वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकता है दोस्तों, इसी को हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसको जरा समझते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से इलेबोरेट करेंगे कि एक्चुअल में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है क्या। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक प्रोड्यूसर है हमारे पास, उसके पास 30 रुपीज है, ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए 30 रुपये उसके पास है, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 30 रुपये ही है सिर्फ, ठीक है, और वो इस 30 रुपये से प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है टू गुड्स का। उन गुड्स के नाम लिख लेते हैं, कोई भी नाम हो सकता है गुड का, एक गुड का नाम है ए और दूसरे गुड का नाम है हमारे पास बी, गुड ए गुड बी। ये 10 रुपये का एक बनता है और ये वाला भी 10 रुपये का एक ही बनता है। भाई दो गुड्स हैं, 10 रुपीज के हिसाब से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक गुड को बनाने की मात्र 10 रुपये, ए वाला बनाऊंगा तब भी 10 रुपीज लगेंगे और बी वाला बनाऊंगा तब भी 10 रुपीज ही लगने वाले हैं, ना ज्यादा ना कम, 10 रुपये लगेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो मैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन में गुड्स बना सकता हूँ, मुझे कॉम्बिनेशन बता दें। कॉम्बिनेशन बहुत आसान है यार, अगर मैं 30 के 30 रुपये, 30 रुपीज मेरे पास है, मैंने 30 के 30 रुपये बी वाले गुड पे लगा दिए, तो पहला कॉम्बिनेशन मेरा बन गया 0.3। अगर मैं सारा पैसा बी वाले गुड पे लगाता हूँ और ए वाले गुड पे कुछ नहीं लगाता तो ए बनेगा 0 और बी बनेगा 3 दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे, बहुत ही सिंपल सा कॉम्बिनेशन है। ऐसी अगर मैं 20 रुपये लगाता हूँ, 20 रुपये 20 रुपीज लगाता हूँ बी पर और 10 रुपीज लगाता हूँ ए पर, तो कॉम्बिनेशन आपका जो बनेगा दोस्तों वो कॉम्बिनेशन बनने वाला है 1.2। ऐसे एक कॉम्बिनेशन बनेगा मेरा 2.1 और ऐसे एक और कॉम्बिनेशन बनेगा दोस्तों मेरा जिसका नाम होगा 3.0।
तो ये सारे मेरे कॉम्बिनेशन है, और ये सारे कॉम्बिनेशन को जब मैं प्लॉट करूंगा तो मेरा पीपीसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बन जाएगा। भाई प्लॉट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखने में तो कोई एतराज नहीं है। तो एक काम करते हैं, प्लॉट कर ही लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे स्पेस बहुत है हमारे पास, यहाँ पे प्लॉट करते हैं हम लोग, आराम से प्लॉट करते हैं। यहाँ पर बहुत स्पेस है हमारे पास, यहाँ पर एक गुड आएगा और यहाँ पर एक गुड आएगा, ठीक है। कौन से वाला कहाँ पर आएगा वो बता देता हूँ। इनमें से जो भी गुड कम होता जा रहा है, जो भी गुड कम हो रहा है, 3, 2, 1, 0, जो कि कम हो रहा है वो हमेशा 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 वाई एक्सिस पर आएगा, और जो कि बढ़ रहा है 0, 1, 2, 3, वो हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा। तो यहां पर आप एक्स एक्सिस पर फटाफट जल्दी जल्दी यहां पे ले लेंगे गुड ए और यहां पर ले लेंगे गुड बी। तो जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो यहां लिखते हैं और जो गेन हो रहा है वो यहां लिखते हैं। ये आपको ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए, आपके कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा नहीं है, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, दैट इज 3 तक जाना है। आराम से ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गैप ले लेते हैं 1, 2, 3, और यहां पर भी ले लेते हैं हम लोग 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा गैप ले लिया। प्लॉट करते हैं, पहला कॉम्बिनेशन है जब ए जीरो है तो बी थ्री है, ए जीरो और बी थ्री, पहली डॉट आ चुकी है दोस्तों आपके सामने, ए जीरो बी थ्री की डॉट आ चुकी है। दूसरा कॉम्बिनेशन ए वन बी टू, ए वन और बी टू डॉट आ चुकी है। तीसरा ए टू बी वन, ए टू और बी वन, तीसरा पॉइंट पे आ चुका है। और लास्ट हमारा ए थ्री बी जीरो, ए थ्री एंड बी जीरो। दोस्तों ये चार डॉट को ज्वाइन कर देते हैं दोस्तों, हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं इन चार डॉट्स को। इन चार डॉट्स को दोस्तों ज्वाइन करने के बाद जो ये फिगर आपके सामने आई है, ये कुछ और नहीं है दोस्तों, यही है आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यही है हमारा पीपीसी, कुछ और नहीं है दोस्तों, यही हमारा पीपीसी कहलाने वाला है। और बहुत ही सिंपल सा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो आपके सामने बनाया है, इसमें हर एक कॉम्बिनेशन, चाहे ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, वो हमेशा टू गुड्स कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है, दैट इज कॉम्बिनेशन नंबर ए बी सी डी, या कॉम्बिनेशन नंबर 1, 2, 3, 4, चार कॉम्बिनेशन है। तो मेरे पास जितने रिसोर्स थे, जो रिसोर्स है मेरे पास 30 रुपीज, इन 30 रुपीज से मैं जो जो कॉम्बिनेशन बना सकता था मैंने सारे बना दिए, और उनको बनाने को प्लॉट करने के बाद जो ये कॉम्बिनेशन बने, इनको प्लॉट करने के बाद जो फिगर मेरे सामने आई है, आपके सामने यहाँ पर ऊपर दिख रही है आप लोगों को, यही हमारी पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो एक्चुअल में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू गुड्स के उन सारे कॉम्बिनेशन को शो करता है जो आप लोग गिवन रिसोर्सेज के साथ, गिवन टेक्नोलॉजी के साथ और गिवन टाइम पीरियड में बना सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट पीपीसी दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। अब जान लेते हैं हम लोग इस पीपीसी की कुछ अजम्पशंस के बारे में। यहां पर ऊपर आपके सामने पीपीसी की कुछ अजम्पशन लिखी हुई आएंगी, आ रही होंगी आराम से लिखी हुई। इन अजम्पशंस को समझते हैं कि किन किन चीजों को अज्यूम हम पीपीसी बनाते हुए करके चलते हैं। पीपीसी कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस है। अगर आपको पीपीसी की अजम्पशन ध्यान रखने में दोस्तों दिक्कत आती है, तो आप ये अजम्पशन, डेट इज पीपीसी के अंदर रिसोर्सेज हमेशा गिवन होते हैं या फिक्स होते हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा गिवन होती है या फिक्स होती है, और टाइम पीरियड हमेशा गिवन या फिक्स होता है, ये आप लोग ध्यान रख के चल सकते हैं। वैसे जो हमारी ओवरऑल अजम्पशन है दोस्तों वो आपके सामने लिखी आ रही है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहली अजम्पशन आपके सामने लिखी गई है, द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी इज फिक्स, रिसोर्सेज हमेशा फिक्स रहेंगे, फिक्स रहेंगे, फिक्स रहेंगे, चेंज होने वाले नहीं है रिसोर्सेज, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। दूसरी अजम्पशन हमारे पास है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, बाई मेरा प्रोड्यूसर दो गुड्स ही बनाएगा। भाई प्रोड्यूसर वैसे तो ज्यादा बना सकता था, 3 बना लेता, 4 बना लेता, 5 बना लेता, लेकिन हम एज्यूम करके चलते हैं कि प्रोड्यूसर सिर्फ दो गुड्स बनाएगा और दो गुड्स ही बनाएगा, क्योंकि अगर ये 3 गुड बनते हैं तो दोस्तों हमें फिगर 3D बनानी पड़ती, 3D तो हम नहीं बना सकते, इसलिए दो गुड्स ही बनेंगे, 2 से ज्यादा बनने वाले नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। और तीसरा मेरा पॉइंट आता है जिसका नाम है, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूज, मैंने अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करा। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई गुड ए बनाने में मैंने मेहनत नहीं करी, गुड बी बनाने में मैंने मेहनत करी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दोनों गुड्स में इक्वल मेहनत कर रहा हूँ, बराबर की मेहनत कर रहा हूँ, और अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट पुट ऑन कर रहा हूँ दोनों गुड्स को बनाने में। तो मेरे एफर्ट एकदम अच्छे हैं और मैं अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बेस्ट तरीके से यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, आई एम डूइंग माई बेस्ट एफर्ट टू प्रोड्यूस बोथ द गुड्स।
चौथी अजम्पशन हमारे पास आती है, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मान के चलना है, टेक्नोलॉजी बदली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट दोस्तों। और लास्ट अजम्पशन है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। देखिए जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं हो सकते दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। भाई मैं तो बेस्ट से बेस्ट एफर्ट कर रहा हूं दोनों गुड्स को बनाने में, लेकिन 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 ठीक है, हो सकता है जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो ए गुड को ज्यादा बना पाए, हो सकता है बी गुड को कम बना पाए। इसका मतलब है कि दोनों गुड को बनाते वक्त रिसोर्सेज का जो यूजेज है वो वैरी कर सकता है। हो सकता है किसी गुड को बनाने में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो तो उसमें मेरी एफिशिएंसी लेवल में थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, बेटरमेंट हो सकता है, और दूसरे गुड में बनाने में हो सकता है मेरा हाथ इतना अच्छा ना हो इसलिए नुकसान भी हो सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं वो दोनों गुड को बराबर ही बना पाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि मैं जितनी मेहनत के साथ आपका गुड ए बना सकता हूं, हो सकता है गुड भी बनाते हुए मेरी मेहनत थोड़ी सी वैरी कर सकती है। बाकी मैं अपने एफर्ट बेस्ट से बेस्ट करूंगा, लेकिन जो मेहनत है, जो एफिशिएंसी है, वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो सकती है दोस्तों। ये हमारी 5 एजम्पशन है पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की, ध्यान रखे चलेंगे। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम लोग कह के चलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ये आप लोग ध्यान रखे चलेंगे। और कुछ बुक्स में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी कहा जाता है, ये नाम आपको ध्यान रखे चलना। बाकी ये हमारा जो पीपीसी है दोस्तों, यहाँ तो आपके सामने स्ट्रेट लाइन आया, जबकि पीपीसी हमारा कॉनकेव होता है, और कुछ केसेस में एजम्पशन के बेस पर हम कॉन्वेक्स भी बनाते हैं और स्ट्रेट लाइन भी बनाते हैं। ये सब कुछ दोस्तों आपको पता चलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीपीसी कब कब कॉनकेव बनता है और कैसे कैसे कॉनकेव बनता है, और न्यूमेरिकल एग्जांपल आप कैसे दे सकते हैं कॉनकेव बनाने में, बहुत अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों अगली वीडियो में। तो देखना ना भूलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जो कि आने वाली है हमारे इस टॉपिक पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त निदेश बजाज के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे। स्टे ट्यून टू योर ऑन यूट्यूब चैनल।